आज के समय में जिस उम्र में लड़कियां फिल्मों और फैशन के नशे में चूर हैं, उसी उम्र में एक ऐसी जानी मानी हस्ती भी है जो भगवान की भक्ति में लीन रहती है। लोग उन्हें आज के युग की मीरा भी कहते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं मशहूर कथावाचक और भजन गायिका जया किशोरी की, जिनका जयपुर के राजा पार्क स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर आगमन हुआ। जयपुर सब जोन प्रभारी बीके पूनम दीदी ने उनका स्वागत किया और आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की। अब यहाँ बताया है हम आत्माएं 84 जन्मों के चक्र में आती है। कहते हैं ना लख 84, तो हम ये मानते हैं 84 लाख नहीं, ओनली 84 जन्म आत्मा लेती है। पशु पक्षी नहीं बनती, जानवर योनि में नहीं जाती। क्यों जाने का कारण कहते हैं पाप कर्मों का फल भुगतने पशु योनि में जाना पड़ता है। लेकिन आज जब हम मानव योनि में ही इतने कष्ट पा रहे हैं, हमारा जीवन पशु से भी बदतर है, तो पशु योनि में जाने की जरूरत क्या है। एक बच्चा जन्म से ही अंधा है, जन्म से ही हैंडीकैप्ड है, प्रॉब्लम है उसका शरीर में। उसको कोई खिलाए तो खाए, कोई संभाले तो अपना वो कुछ नहीं कर पाएगा, तो उसकी स्थिति क्या है, पशु से भी कहीं गुजरी। तो पशु योनि में आत्मा नहीं जाती, मानव योनि में ही वो पुनर्जन्म लेती है और अपने कर्म का फल सुख या दुख के रूप में प्राप्त करती है। उसके बाद बीके पूनम दीदी ने जया किशोरी जी को सेवा केंद्र का अवलोकन कराते हुए आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी द्वारा आत्मा, परमात्मा, परम धाम और सृष्टि चक्र की जानकारी दी। शरीर हमारा कॉस्ट्यूम है जिसके द्वारा हम आत्मा कार्य कर रही है। ये एक तरह से शरीर मोटर है और मोटर को चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए ना, तो शरीर मोटर की कंट्रोलर आत्मा ड्राइवर जो मस्तक में प्रकृति के बीच में, क्योंकि बॉडी का मेन सेंटर ब्रेन है, तो ब्रेन मेन सेंटर में कंट्रोलर आत्मा भी स्थित पूरे बॉडी के सेंस ऑर्गन्स मोटर ऑर्गन्स संचालित। इसके बाद जया किशोरी जी ने मेडिटेशन रूम में कुछ देर राजयोग ध्यान भी किया। संस्था के महिला प्रभाग द्वारा नारी सशक्तिकरण के लिए शिव शक्ति लीडरशिप अभियान का बेंगलुरु के कुमारा पार्क सब जोन से आगाज हुआ। इस उद्घाटन कार्यक्रम में महिला प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका बीके डॉक्टर सविता, इंटरनेशनल स्पीकर बीके डॉक्टर सुनीता, कुमारा पार्क सब जोन प्रभारी बीके सरोजा और जेंडर सेंसिटिविटी पर कार्य करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर वासंता श्रीकर कैसी रेड्डी मुख्य रूप से उपस्थित रहे और अभियान का आगाज किया। इस अभियान के प्रति संस्था के संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके डॉक्टर निर्मला दीदी ने भी अपना शुभकामना संदेश भेजा। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं के लिए कई विषयों पर ग्रुप डिस्कशन आयोजित हुआ, जिसमें महिलाओं ने बहुत ही रुचि लेते हुए पार्टिसिपेट किया। ब्रह्मा कुमारी राजकोट द्वारा ग्राम बिछिया में पिछले 2 महीने से बाल विकास, महिला सशक्तिकरण, युवा सशक्तिकरण मुद्दों को लेकर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में एक शाम प्रभु के नाम विषय पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए कैबिनेट मिनिस्टर कुंवर भाई बावलिया ने कहा कि वर्तमान समय ऐसे कार्यक्रमों की सख्त जरूरत है, क्योंकि आज व्यक्ति आध्यात्मिकता से दूर होता जा रहा है। इनके अलावा कार्यक्रम में समाज सेवक टी डी पटेल, परेश राजोक शिक्षिका बीके अंजू, रवि रत्ना पार्क सेवा केंद्र की प्रभारी बीके नलिनी, अवधपुरी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके रेखा उपस्थित रहे और ग्राम वासियों को राजयोग द्वारा ईश्वर से मन के तार जोड़ने के तरीके बताए। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय ए काम करे छे, बालकों नी अंदर छुपी शक्तियों ने कई रीते बाहर लाओ। कार्यक्रम के अंत में गांव के समाज सेवकों को कोरोना काल में लोगों की मदद करने के लिए सम्मानित भी किया गया। उत्तर प्रदेश के मुरसान में शादाबाद सेवा केंद्र द्वारा आयोजित आध्यात्मिक काव्य सरिता में यूपी के कई कवि शामिल हुए और दया एवं करुणा विषय पर अपनी कविताओं से आध्यात्म का रंग बिखेरा। ओम शांति धाम।
के अलावा नगर पंचायत अध्यक्ष गिरिराज किशोर शर्मा, पूर्व चेयरमैन किरण शर्मा, स्टेट बैंक मुरसान शाखा के प्रबंधक शंभु दयाल, सादाबाद सेवा केंद्र की प्रभारी बीके भावना, मुरसान की प्रभारी बीके बबीता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिला स्थित ग्राम कालिया देह में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा 7 दिवसीय आध्यात्मिक प्रवचन माला का आयोजन हुआ, जिसके शुभारंभ से पहले गांव में कलश यात्रा निकालकर ग्रामवासियों को कार्यक्रम की सूचना दी गई। 7 दिनों तक बीके बहनों ने रामायण, महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता के प्रमुख प्रसंगों को लेकर उनके पीछे छिपे आध्यात्मिक रहस्यों से गांववासियों को अवगत कराया। इस कार्यक्रम के समाप्ति के दिन एक यज्ञ भी किया गया, जिसमें सभी ने अपनी बुराइयों और कमी कमजोरियों की आहुति दी। इस प्रवचन माला का जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्र सिंह सोंधिया, विधायक रामचंद्र दांगी, जनपद पंचायत अध्यक्ष जगदीश गुर्जर, पूर्व विधायक पुरुषोत्तम दांगी और कई गांवों के सरपंच समेत 9000 से भी अधिक ग्राम वासियों ने लाभ लिया। कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी ने राजगढ़ जिला प्रभारी बीके मधु दीदी का धन्यवाद किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को पॉलिथीन मुक्त बनाने की कवायद के लिए पर्यावरण संरक्षण सचेतक अभियान समिति, ब्रह्मा कुमारीज लश्कर सेवा केंद्र के सदस्य और कई स्कूलों के बच्चे आगे आए। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर में विशाल जन जागरूकता रैली निकालते हुए शहर को पॉलिथीन मुक्त बनाने का संदेश दिया। प्यारे भाइयों बहनों, अपने पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए हम सभी आज ये संदेश दे रहे हैं कि पॉलिथीन मुक्त हमारा शहर हो। आप सब अपने अपने घरों में सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करते हुए कपड़े का थैले का प्रयोग करें। रैली का शुभारंभ महाराज बाड़े पर आयोजित एक जनसभा से हुआ, जिसमें नगर निगम आयुक्त किशोर कान्याल, अपर आयुक्त अमर सत्य गुप्ता, संरक्षण सचेतक समिति के दीपक सचेती, पर्यावरणविद गिरिराज दानी, राजयोग शिक्षक बी के प्रहलाद, लश्कर सेवा केंद्र प्रभारी बी के आदर्श समेत शहर के कई सम्मानित लोग उपस्थित रहे और शहर को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए अमल में लाने के लिए सभी का आह्वान किया। महाराष्ट्र के कणकवली तहसील के 50 कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए ब्रह्मा कुमारीज द्वारा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें संस्था में मेडिकल प्रभाग के कार्यकारी सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल ने सम्मानित डॉक्टर्स को हॉस्पिटल में मेडिटेशन रूम बनाने का सुझाव दिया। साथ ही गोवा की प्रभारी बीके शोभा ने सभी को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया। ऐसे ही मुंबई के मुलुंदी सेवा केंद्र द्वारा ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका के 250 सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके छाया ने कार्यक्रम का उद्देश्य बताते हुए कहा कि वास्तव में सफाई कर्मचारियों का कार्य हौसला अफजाई वाला है। इनकी मेहनत से ही हमारे रहने का स्थान स्वच्छ रहता है। अब कुछ खबरें एक नजर में। दिल्ली के राहुल विहार में नए सेवा केंद्र शिव शक्ति भवन का उद्घाटन। विधायक अतुल गर्ग, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनु, मंडावली सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता, गाजीपुर सेवा केंद्र की बीके सुधा मुख्य रूप से रहे उपस्थित। सेवा केंद्र से ईश्वरीय सेवाओं के विस्तार की दी बधाइयां। भोपाल के करोन सेवा केंद्र पर मानवता के संरक्षण विषय पर सम्मेलन। कदामनि ट्रस्ट दीनबंधु पेपर के संपादक दिनेश शर्मा, महिला मंडल के अध्यक्ष सुषमा स्वराज सिंह ने ब्रह्मा कुमारी बहनों को बताया मानवता के संरक्षक। सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु ने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को राजयोग द्वारा ईश्वर से जुड़ने का किया आह्वान। गुजरात के भांडुरी में बनने वाले नए सेवा केंद्र सत्य तीर्थ सेवा केंद्र का भूमि पूजन। यूएसए के बीके हरीश भिमानी, तालुका पंचायत सदस्य राम भाई वाणा, बिजनेसमैन अर्जुन भाई गोधासरा, केसो सेवा केंद्र के प्रभारी बीके रूपा और बीके दक्षा की उपस्थिति में हुआ विधिवत पूजन।